हेलो, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर आपके साथ में हूँ गीता का अध्याय 6 लेकर, जिसको हम ध्यान योग बोलते हैं। तो इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और कर्म संन्यास योग, कर्मयोग यानी अपने सांसारिक जीवन और कर्तव्यों का पालन करते हुए योग की प्रैक्टिस करना यानी कि स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करना, और कर्म संन्यास योग यानी सब कुछ छोड़ने के बाद अपने आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखना, उसका एक तुलना करते हुए वो आगे कहते हैं कि जो दोनों ही योग हैं, दोनों ही एक ही रास्ते पर ले जाते हैं, पर अगर हम बात करें व्यवहारिकता की तो कर्म योग ज़्यादा व्यवहारिक है इन कंपैरिजन टू कर्म संन्यास योग। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के साथ अपना कर्म करने से आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, और अपने मन को शांत रखने में ध्यान आपकी मदद करता है यानी मेडिटेशन आपकी मदद करता है। और फिर उन्होंने मेडिटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा की है इस अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, जैसे एक दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, शांत जगह पे रखा रहता है और जलता रहता है, उसी तरीके से हमें अपने मन को भी केंद्रित करना होता है, ध्यान में रखना होता है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। ये भी भगवान श्री कृष्ण एग्री करते हैं कि मन की चंचलता को रोकना एक बड़ा काम है, लेकिन उसे किया जा सकता है अगर हम बार बार ध्यान की मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें तो हम ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये हमारी सहायता करता है। भगवान श्री कृष्ण एक चीज और भी कहते हैं कि सिर्फ घोर तपस्या से ही कुछ नहीं होगा, आपको जो डे टू डे लाइफ में है उसमें एक मध्यम मार्ग बना के रखना पड़ेगा। मध्यम मार्ग का मतलब है जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो खाना खाना है, चाहे वो ध्यान लगाना है, चाहे वो कोई और कार्य है, उसको ना तो आप बहुत ज़्यादा करें ना ही बहुत कम करें। तो एक तरह से ये आपको गाइड करता है, खाना सोना सारी चीज़ें आप एक मॉडरेट लेवल पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि अगर ऐसा कि कोई ध्यान लगाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना शुरू करता है और बीच में वो उसको छोड़ देता है या उससे छूट जाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि ध्यान को केंद्रित करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, तो क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीच में छोड़ देता है या छूट जाता है तो उससे आपका कुछ नुकसान हो रहा है, वो आपके पास रहेगा जो आपने सीखा है। तो जब आप अगली बार कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि चाहे वो इस जन्म में या किसी और जन्म में अगर आप उस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो वो आपके पास रहती है एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ लर्निंग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के समाप्ति पर बोलते हैं कि जो योगी जो भगवान के पास जाने का प्रयास करता है वो सभी लोगों से बेहतर है। भगवान के पास जाने का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है, जो हम योग या मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं उससे हमें अपने रियल सेल्फ यानी जो आपका आपकी जो आत्मा है, जो रियल सेल्फ है, वो उसकी प्राप्ति होती है, उसको आप समझ पाते हैं और आप डिवाइन के या ईश्वर के आप ज़्यादा करीब होते हैं, आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो इस चीज़ के साथ में वो ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब हम इसके आते हैं वैज्ञानिक पहलू के ऊपर। नंबर एक तो ये है कि मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी ज़्यादातर समस्याएं हमारे सोचने के तरीके से होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारा मन उन चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके हमें दिखाता है जो एक्चुअल में नहीं है। तो मन पे अपने कंट्रोल करना, उसको केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है, और मेंटल हेल्थ में भी इन सारी चीज़ों पे जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो CBT है या REBT है, वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि आप अपने जो इरेशनल थॉट्स हैं उनको कैसे मैनेज करें। और उसमें ही सबसे एक अच्छा तरीका जो गीता में बताया गया है वो मेडिटेशन है, जो आज की डेट में रिसर्च प्रूवन भी है कि
अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी हैप्पीनेस और वेलबींग दोनों इंक्रीज होते हैं। एक और चीज जो यहाँ इस अध्याय में जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन, यानी एक जो मध्यम मार्ग है बेहतर होती है, चाहे वो खाना है, चाहे वो आपका सोना है, चाहे वो कोई और एक्टिविटी है, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो, कि आप एक मॉडरेट लेवल पे अगर उसे करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो एक बैलेंस बना के अगर रखते हैं तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बेहतर होता है। और आखिरी एक बात जो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में दी है कि जो प्रैक्टिकलिटी है, जो व्यवहारिक है, उसको करना ईजी होता है, ना कि जो अगर आप थॉट लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें करते हैं, बट व्यवहारिक लेवल पर यानी कि बिहेवियर लेवल के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। इसी तरह हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, दे नो एवरीथिंग, बहुत सारा नॉलेज उनके पास है, बट दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन द रियल लाइफ। इसके साथ ही मैं अध्याय 6 को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर कोई नया वीडियो आप चाहते हैं हमारे चैनल पे आए, जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लेकर आएं। धन्यवाद।